नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है उत्तर भारतीयों का। जी, आज से मैं मुंबई में उत्तर भारतीयों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए नेताओं का जो है चुनाव के लिए यानी चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए नेता लोग जो है हर पार्टी के लोग अब जो है सभा करने लगे हैं। इसी के तहत जो है अब उत्तर भारतीय रैली होने जा रही है उद्धव ठाकरे की। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है शैलेश मिश्रा जी, जो उत्तर भारतीय मोर्चा ठाणे जिला के अध्यक्ष हैं। हम जानेंगे कि जो उत्तर भारतीयों की समस्या है, चाहे उत्तर भारतीयों की जो नेतागिरी है, किस तरह जो है ये अलग अलग पार्टी के लोग इस्तेमाल करते हैं, बाद में उनके साथ में क्या होता है। मिश्रा जी, आपका स्वागत है। मैंने सवाल इसलिए पहले कर दिया कि जिस तरह से देख रहा हूँ मैं सालों से यहाँ उत्तर भारतीयों की, चाहे समस्या हो, चाहे उनकी नेतागिरी हो, चाहे कुछ भी हो, उनको इस्तेमाल किया जाता है लेकिन उनके साथ में न्याय नहीं किया जाता। तो क्या मानते हैं आपको, जो उद्धव ठाकरे के बीच जो सभा होने जा रही है खासकर उत्तर भारतीयों के लिए, इस विषय पर क्या कहेंगे आप? भैया, सबसे पहले मैं एक चीज को रेखांकित करना चाहूंगा जी, कि हर 5 साल बाद एक त्योहार आता है चुनाव का जी, जब उत्तर भारतीयों का महत्व अचानक से बढ़ जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने माननीय हमारे नेता नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में उत्तर भारतीयों को न्याय देने के लिए, उनको संगठित करने के लिए एक उत्तर भारतीय मोर्चा की स्थापना भारतीय जनता पार्टी ने की थी जी। उनका एक निर्मल स्वच्छ मत से वो उत्तर भारतीयों को एक न्याय दिलाना चाहते थे और वो प्रथा परंपरा आज भी भारतीय जनता पार्टी में कायम है। चुनाव के समय पे नहीं, हमेशा एकमेव पार्टी में मानता हूं जो उत्तर भारतीयों को न्याय देती है और हमेशा 365 दिन 24/7 जो उत्तर भारतीयों को अपना मान के उनको हमेशा जोड़े रखती है और उनको उनके सुख दुख में साथ देती है, वो है भारतीय जनता पार्टी। यहां तक कि राष्ट्रीय लेवल तक या प्रदेश लेवल पर भी जिम्मेवारी देती है, दायित्व देती है, मत देती है और पद देती है, हर तरीके से उत्तर भारतीयों को न्याय देने का काम करती है। लेकिन इतर पार्टियों में ऐसा नहीं है। एकाध किसी को नेता बना के उसको ये दायित्व दे देते हैं कि पूरे कुनबे को तुम अब जमा करके एक भीड़ के रूप में रखो और उनको चुनाव के समय पे भीड़ इकट्ठा करने के लिए उनका उपयोग किया जाए। एक समाज को न्याय देने का कोई ऐसा सकारात्मक काम नहीं करते। सिर्फ जो दो चार ऐसे नुमाइंदे होते हैं जो इनके इनका तुष्टिकरण करते हैं या चाटुकार बन जाते हैं, ऐसे लोगों को ये नुमाइंदा समझ के उनको उनके साथ जो न्याय देना चाहिए वो न्याय देके वो ये चाहते हैं कि पूरा समाज ये मान ले कि पूरे समाज को न्याय मिल गया। ये बहुत खोटी परंपरा है, ये उन्होंने नकल मारने का प्रयास किया है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन नकल मारने में भी अकल लगती है, जैसा आप जानते हैं, एक नियत लगती है, एक स्वच्छ मन से उनको न्याय देने का एक इच्छा शक्ति लगती है, जिसका अभाव है। मैं सारे उत्तर भारतीय लोगों को आगाह करना चाहूंगा, जैसे जैसे चुनाव आएंगे आपको इतर पार्टियों में से बड़े बड़े पद का भी ऑफर मिलेगा, बड़े बड़े कार्यक्रम का भी ऑफर मिलेगा, ये और कुछ नहीं है, खाली आपको उनकी पार्टी में मुख्य धारा से काट के एक अलग आपको ट्रीटमेंट देने का, इसके सिवाय ये पूरा एक्सरसाइज में कोई अर्थ नहीं है। मुझे बताइए, इन लोगों के मंच पे कभी आपने किसी उत्तर भारतीय नेता को देखा है? कभी नहीं देखा होगा। इनके शाखा में चले जाइए आप जी, उत्तर भारतीयों के साथ क्या बात व्यवहार होता है आप समझ जाएंगे। आप तो मैं करबद्ध निवेदन करूंगा अपने उत्तर भारतीय भाइयों से, खासतौर पर जो यहां पे मुंबई महाराष्ट्र थाना में रह रहे हैं, कि ऐसे किसी भी षड्यंत्र का शिकार न हो। जिस निष्ठा से उत्तर प्रदेश से लेके महाराष्ट्र तक भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना नाल जोड़ के रखे हुए हैं, बस इसके ऊपर ही एक आपका विश्वास रहेगा और ये आपके सारे दुख दर्द, सारे आपके प्रायोजनों का निवारण यहाँ पे किया जा रहा है और होता रहेगा। शैलेश जी, बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो आपने जिस तरह से कहा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीयों के लिए उत्तर भारतीय मोर्चा लेके आई है और भी सब पद दे रहे हैं,
लेकिन एक उत्तर भारतीय नेता क्यों नहीं पैदा हो पा रहे हैं, खासकर महाराष्ट्र में, क्योंकि मुंबई और ठाणे की बात करें तो सबर्ब इलाके में उत्तर भारतीयों की पूरा भीड़ पड़ी हुई है, लेकिन एक नेता अभी तक तैयार नहीं हो पाए हैं। एक कृपा शंकर सिंह आए हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी छोड़ के आए हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में, वो भी आज कहाँ दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ? नहीं नहीं माननीय कृपा शंकर सिंह जी को आज बहुत बड़ा पद दिया गया, उपाध्यक्ष हैं वो प्रदेश में, ऊपर से उनको विधानसभा विस्तारक का प्रभारी बनाया गया है, बहुत बड़ा पद है पूरे महाराष्ट्र में। ये जरूर है कि जो ऊंचाई वो तय करके आए हैं उसके साथ अभी उनको रचने बसने में भारतीय जनता पार्टी में उनके खैर उनकी क्षमता का मैं आकलन भी नहीं कर सकता हूँ। और न्याय तो हो रहा है, और वो भैया वो न्याय पूरे धरातल पे हर उत्तर भारतीय के घर घर का यात्रा कर रहे हैं। कृपा भैया आपने नाम ले लिया इसीलिए मुझे उनके बारे में कहना पड़ रहा है कि वो हर एक से जुड़े हुए हैं और हर एक और लोग कहाँ हैं और बाकी तो नेता तैयार होना चाहिए। देखिए यही एक फर्क है भारतीय जनता पार्टी और इतर पार्टी। इतर पार्टी क्या करती है, नाम के लिए किसी को राज्यसभा भेज देगी, किसी को कहा कुछ पद दे देगी और वो उसको ये दायित्व दे देगी अभी तू ये समाज का शोषण कर। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी में हर एक कार्यकर्ता नेता है, हर एक कार्यकर्ता की पूछ है, हर एक कार्यकर्ता अपने बड़े से बड़े नेता तक जाके जुड़ के अपना काम करा सकता है। आज भले मेरे पास ठाणे शहर जिला अध्यक्ष का दायित्व है लेकिन इसका मैं सिर्फ एक फैसिलिटेटर हूं, एक सुविधा के लिए कि भैया अगर मतलब घर घर तक पहुंचने के लिए कोई तो एक नुमाइंदा चाहिए, इसलिए अन्यथा कोई भेदभाव नहीं है। एक साधारण भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उत्तर भारतीय मोर्चा का भी कार्यकर्ता वही ताकत और वही अपना प्रभाव रखता है जो कोई इतर कार्यकर्ता रखता है। हम बात करेंगे थोड़ा सा बैक साइड में, यानी कुछ साल एक दो साल पहले की बात करेंगे, कोरोना काल में जो है उत्तर भारतीयों में बहुत बड़ी संकट आ गई थी, वो मतलब उनको कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई नेता नहीं आ रहा था सामने, कोई सब अपने तरीके से जो भाग रहे थे, पैदल जा रहे थे, कोई ऑटो ले जा रहा है, कोई बाइक से जा रहा है, तब कहाँ थे उत्तर भारतीय नेता लोग खासकर? वही तो बता रहा हूं मैं आपको, भारतीय जनता पार्टी का हर एक भारतीय जनता पार्टी ने ही क्या किया और संघ परिवार जी। मैंने खुद, मुझे 150 लोगों की लिस्ट रोज मिलती थी महाराष्ट्र प्रदेश से और उनको मेरा काम इतना ही था कि मैं उनको पूछूं उनको क्या कमी है, क्या उनको जरूरत है, उनकी क्या आवश्यकता है, वो पूछ के उसकी सूचना मुझे एक उस जिले के या उस तालुका के उस शहर के उस गांव के प्रमुख व्यक्ति तक पहुंचानी थी। और सारी सुविधा, रेमडेसिविर इंजेक्शन कह दो, खाने पीने के लिए व्यवस्था है, आने जाने के लिए टिकट की व्यवस्था है। उनको रोकने की व्यवस्था क्यों नहीं हो रही थी, क्यों भागने लगे? उस समय पे मैं खासतौर पर फिर से आपको बताना चाहूंगा कि उस समय पे मुख्यमंत्री कौन थे, सत्ता किसके हाथ में थी, कौन लोग थे सत्ता का बागडोर संभालने वाले, उन लोगों ने तो प्रताड़ित किया, दंडित किया। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति को जिताने में बहुमोल मूल्यवान अगर किसी ने अपना सहभाग दिया है तो उत्तर भारतीय जी। ये बात कुछ और है कि स्वार्थ के चलते मतलब भाई भाई से धोखा करके दुश्मनों के साथ हाथ मिला के उन्होंने सरकार बना ली और बाद में दुर्भाग्य से कोरोना काल आ गया और कोरोना काल में उत्तर भारतीयों को दंडित करने का प्रयास किया गया कि वो भारतीय जनता पार्टी से क्यों जुड़े हुए हैं। केंद्र सरकार रेलवे की व्यवस्था करती थी लेकिन रेलवे का सूचना तक नहीं दे सकते थे ये लोग, अपने उत्तर भारतीय समाज तक पहुंचने नहीं देते थे जो उत्तर भारतीय समाज मतलब तो आप कहना चाहते हैं कि उस समय सरकार ने जो जानबूझ के निगलेक्ट किया और उत्तर प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उसी दरिया दिली के साथ में सबका स्वागत किया और सबको सुविधा मुहैया कराया। सिर्फ एक पार्टी और एक चीज में उल्लेख नहीं करूंगा तो वो सही नहीं होगा, थाना में जी, थाना में जो डिस्पेंसेशन था उसने बहुत हद तक मतलब उत्तर भारतीयों को सहयोग करने का प्रयास किया, अन्यथा चिन्हित करके उनको दंडित किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था। तो ये चीज के लिए मैं पूरे उत्तर भारतीय समाज को कि अभी कई ऐसे मेलावा आएंगे, सभा आएंगी, तो आप लोग अपनी राजनीतिक सामाजिक भूमिका को स्पष्ट रेखांकित करके उसका अनुसरण कीजिए। जो लोग
आड़ी बस्ती में रहते हैं, मजबूरी में रहते हैं, स्थानीय नेताओं के प्रभाव में रहते हैं, नहीं तो उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, उनका व्यापार, उनका धंधा, उनका घर परिवार ऐसी बस्ती में रहता है जहां पे एक तरीके से मैं कहूंगा कि गुंडागिरी चलती है। तो ऐसे गुंडा लोग दबाव डाल के, प्रभाव डाल के ऐसे मेलावे के लिए लोगों को जमा करते हैं और उससे गलत संदेश जाता है कि उत्तर भारतीय लोग ऐसे देशद्रोही लोगों के साथ में जुड़े हुए। ना उत्तर भारतीय वफादार है, बागी हो सकता है, वो बेईमान कभी नहीं हो सकता भारत और भारतीयता से, और यही उसके जुड़ाव का कारण है भारतीय जनता पार्टी की, कि हम देश के लिए समर्पित हैं। प्रांतवाद में तो हम विश्वास ही नहीं करते जी। पूरे देश को हम एक अखंड मानते हैं और उसी रूप का हम पूजन करते हैं, इसीलिए हम हर समय भारत माता की जय कहते हैं। तो मिश्रा जी क्या कहेंगे, 2024 में जो तैयारी चल रही है लोकसभा की, उसके बाद विधानसभा भी आएगी, तो क्या मैसेज देंगे उत्तर भारतीयों को? उत्तर भारतीयों को पूरी निष्ठा के साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ के राष्ट्र निर्माण में अपना पूरा पूरा सहयोग देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये ख्याल कर रही है और उनके मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 साल से वो देख रहे हैं कि घर घर तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए जितने भी भारत के देश के संसाधन है, किसी से भेदभाव न करते हुए हर एक वर्ग को, हर एक व्यक्ति के पास सारे संसाधन को सरलता से बिना किसी लीकेज के पहुंचाने की व्यवस्था की गई है और उसका फल, उसका सुखद परिणाम आप गांव गांव, देश देश, तालुका तालुका देख सकते हैं। आपको क्या लगता है, आखिरी सवाल है मेरा, कि क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे को उत्तर भारतीय साथ सभा करने की क्या जरूरत पड़ेगी? और उनके साथ बचा ही कौन है? एक ही समाज है जिसको आसानी से गुमराह किया जा सकता है, भावना में बहका के उनको वहां तक लेके आया जा सकता है, फेरी वाले, रिक्शा वाले, सब्जी वाले, फल वाले, दूध वाले, कच्चा धंधा करने वाले ये लोग हैं। इनको इनको डरा के, इनको धमका के और इनको लालच दे के कोई भी गुमराह करके लेके चले जाता है, गुमराह हो जाते हैं उत्तर भारतीय। क्या करें, क्या करें, वो उनकी मजबूरी है। आज जब गांव से कोई यहाँ पे 1500 किलोमीटर दूर आता है तो कोई बहुत समृद्ध परिवार का व्यक्ति नहीं आता है, वो अपने परिवार को एक अच्छा जीवन, एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था देने के लिए ऐसे बड़े शहरों में आता है और अपनी मेहनत मजदूरी से पूरे देश, पूरे प्रांत के उत्थान में अपनी सेवाएं देता है। वो खोटे आडंबर में अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए पूरा अपनी ताकत लगा देता है, न कि वो घर मकान बनाने में जहां उसको सुविधाजनक सस्ते में मिलता है वहां पे जाके वो रहता है, लेकिन उसकी उस मजबूरी का फायदा उठा के छोटभैया नेता कहीं भी उनको मोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जब उनके ऊपर कष्ट आता है, जब उनको मारा जाता है, उनका अपमानित किया जाता है, उनका धंधा, उनकी गाड़ी, आज फेरी वालों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, सोचो एक फेरी वाला, आखिर आपको फल खरीदना है, सब्जी खरीदना है तो क्या मॉल में जाएंगे? आपको सस्ता फल सब्जी आपके दरवाजे तक, आपके क्षेत्र तक लाके देने का काम अगर वो कर रहा है, और उसके बाद में मानता हूं कि जनता को असुविधा नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए आप व्यवस्था करो, प्लानिंग करो, आप सीधा उनकी गाड़ी गिरा देंगे, उनको पलट देंगे और वहां के स्थानीय जो छुटभैया नेता है उनके साथ में पुलिस प्रशासन भी कोई साथ नहीं देता उत्तर भारतीय, उनको भारतीय जनता पार्टी को प्रोटेक्शन देना चाहिए। अभी नया उदाहरण बताता हूं, अभी 4 दिन पहले रीवा के अंदर भारतीय जनता पार्टी सत्ता सेंट्रल में भी है, स्टेट में भी है, लोकल में भी है, तो भारतीय जनता पार्टी प्रोटेक्ट क्यों नहीं करती उनको? भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा के अपना पहुंच उत्तर भारतीयों की सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए लगाए रखी है, इसीलिए अभी थोड़े बहुत जो बच्चे हैं बच्चे हैं जी, आज थोड़ा बहुत जो सम्मान से अपना रोजी रोटी चला पा रही है सिर्फ एक ही पार्टी की वजह से, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी, इसकी विचारधारा राष्ट्रीय है, क्षेत्रीय पार्टी को अपना क्षेत्रीय लाभ दिखता है और कोई राष्ट्रीय पार्टी बची नहीं जी। जो 70 साल से थी वो कब अभी वो राष्ट्रद्रोही पार्टी बन चुकी है, तो उसको तो हर राष्ट्रवादी से नफरत है, मिला जुला के वो सब विपक्ष में ही खड़े हुए हैं, उत्तर भारतीयों के साथ में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही खड़ी हुई है। लेकिन क्षणिक लाभ या क्षणिक सुरक्षा के लिए मजबूर होना पड़ता है,
और उस जो उस कमी को भी पूरा करने के लिए उत्तर भारतीयों का थानेश्वर जिला अध्यक्ष होने के नाते मेरा दायित्व भी है, मेरा कर्तव्य भी है और मैं उसके लिए पूरी तरीके से समर्पित रहूंगा, ये वादा भी कर रहा हूं। और जो नया मेरी जगह पे कोई अगर अध्यक्ष बनेगा कि उसके तरफ से भी उत्तर भारतीय समाज के लिए एक वाचक, एक मुख बनने का प्रयास और हर जगह पे पहुंच के उनकी सुविधा करने का प्रयास जरूर भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से होता रहेगा। धन्यवाद शैलेश जी। तो ये थे शैलेश मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष। चर्चा कर रहे थे कि उत्तर भारतीयों को जो सभा होने जा रही है उद्धव ठाकरे के साथ, उसके बारे में, यानी उद्धव ठाकरे को उत्तर भारतीयों के प्रति किस तरह जो है अभी चुनाव आने, चुनाव के समय जो है लालच पनपी है उसी, और भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीयों के लिए क्या कर रही है उस पर भी चर्चा हम कर रहे थे। तो आपको हमारा ये चर्चा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।